Good morning, everyone. What we have seen in our last class, we have discussed in our last class about rose plant, some type of stem. Okay. Now, today we are going to discuss about our next part of plant, that is leaves. Okay. So, our today's topic is leaves. Now, leaves grow on the stem of a plant. Leaves grow on the stem of a plant. लीव्स क्या करती हैं? प्लांट की जो स्टीम होती है उन पे ग्रो करती है. दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज. ओके, तो ये जो लीव्स हैं इनकी शेप एंड साइज जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है. ओके, क्योंकि सभी जो भी अपने ऑल ओवर जितने भी प्लांट्स हैं उन सबकी लीव्स सेम नहीं होती है. ओके, उन सबकी जो लीव्स है वो सेम नहीं होती है. डिफरेंट डिफरेंट लीव्स उनकी होती है. जनरली लीव्स आर ग्रीन इन कलर. जनरली जो लीव्स हैं वो उनका जो कलर होता है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है. ओके, और ग्रीन कलर होता क्यों है उनमें? बिकॉज ग्रीन कलर पिगमेंट उनमें प्रेजेंट होता है. और ग्रीन कलर का वो जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो पिगमेंट अपना कौन सा हो गया? क्लोरोफिल. ओके, तो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स कैसी होती है? ग्रीन होती है. लीव्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. लीव्स क्या होती है? प्लांट जो होता है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस. ओके, और वो इम्पोर्टेंट क्यों होती है ये अपन जानेंगे इन फंक्शंस को देखने के बाद में. ओके, सो Leaves prepare food for the plants using carbon dioxide, water and sunlight. Leaves क्या करते हैं? पूरा जो plant है उसके लिए food prepare करने का work करते हैं. Like carbon dioxide, water, sunlight. इनका use करके ये क्या करते हैं? Food prepare करने का work करते हैं, जो बहुत ही important work है. Okay, सबसे important work तो यही हो गया ना, जो पूरे प्लांट को फूड देते हैं. क्योंकि फूड नहीं मिलेगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा तो प्लांट होगा ही नहीं. ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, और इनका प्लांट का जो फूड बनाने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस. लीव्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज दे हैव ए ग्रीन पिगमेंट. एज आई टोल्ड यू, ग्रीन जो है उनका सॉरी लीव्स जो है उनका क्या क्या होता है? ग्रीन कलर होता है. ओके, बिकॉज और होता क्यों है? दे हैव ए ग्रीन पिगमेंट. ग्रीन पिगमेंट इनमें होता है कॉल्ड क्लोरोफिल. और इस ग्रीन पिगमेंट को अपन क्या कहेंगे? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. और क्लोरोफिल क्या करता है? वो इस पूरे प्लांट को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, सो दिस इज अ फर्स्ट फंक्शन. इसमें क्या करता है प्लांट? पूरे जो ट्री लीव्स हैं वो पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करने का वर्क करता है. इस टाइप से ये प्रोसेस होती है. सनलाइट का यूज़ करते हैं एंड सोइल से. अपन ने देखा ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट का यूज़ करके क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं. तो सनलाइट यहाँ से इनको मिल गई. एंड जो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? एयर से. ओके, एंड देन वाटर, वाटर और मिनरल्स जो है ये क्या करेंगे? सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा. कौन? रूट. ओके, सो इस तरह से इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज लीव्स हेल्प प्लांट्स टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज गैसेस. लीव्स क्या करते हैं? एज आई टोल्ड यू एंड आपने भी कभी ये सुना होगा कि प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं? रिलीज करते हैं. सो लीव्स हेल्प प्लांट टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज गैसेज. तो ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब करने का वर्क करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करने का वर्क करते हैं. तो इस तरह से ये क्या करते हैं? गैसेज को एक्सचेंज करने का वर्क करते हैं.
लीव्स हैव सेवरल वेरी स्मॉल पॉड्स कॉल्ड स्टोमेटा। और इस टाइप से जो लीव्स हैं उनमें क्या होते हैं, स्मॉल पॉड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो स्मॉल पॉड्स होते हैं इनको आप क्या कहोगे, स्टोमेटा। और इन स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होती है, गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, गैसेस को रिलीज करते हैं। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। जो लीव्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं एंड गिव आउट, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, बाहर रिलीज करते हैं थ्रू दीज स्टोमेटा, इन स्टोमेटा के थ्रू। ये जो आप यहाँ पे इधर देख पा रहे हो, ओके, जो पॉर्स हैं ये इसमें आपको ऐसे शो किए हुए हैं, लेकिन जब आप लीफ को देखते हो तो ये स्टोमेटा आपको इस तरह से दिखाई नहीं देते हैं। इस तरह से आपको अगर देखना होता है तो आप माइक्रोस्कोप का यूज करना होता है, ओके। दिस इज कॉल्ड एज स्टोमेटा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव इज लीव्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनकी लीव्स में क्या होता है, फूड भी स्टोर करके रहते हैं। इट मीन्स दैट उनकी लीव्स को, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स को अपन क्या करते हैं, एज ए फूड अपन कंज्यूम कर लेते हैं। इट मीन्स उनमें फूड स्टोर होता है। सो दिस इज कैबेज, एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, कैबेज का लीव्स ही तो आप ईट करते हो। इसी टाइप से स्पीनच है, उसके लिए लीव्स क्या होती है, फूड होता है, एंड कॉरियंडर ऑल्सो। सो लीव्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड, कुछ प्लांट्स की लीव्स भी फूड को स्टोर करके रखती हैं। वी ईट लीव्स लाइक कैबेज, स्पीनच एंड कॉरियंडर एज फूड। ये जो इस तरह के जो प्लांट्स हैं इनमें क्या होता है, इनकी लीव्स में फूड स्टोर करके ये रखते हैं। इट मीन्स इनकी लीव्स को अपन एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज, एज यू कैन सी हियर, फ्लावर, ओके। सो फ्लावर, दिस इज सनफ्लावर। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट का मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट होता है, ओके। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड्स। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड्स। फ्रूट, एज यू कैन सी हियर, दिस इज एप्पल फ्रूट। इसी तरह से काफी सारे और फ्रूट्स अपने पास होते हैं, गवावा, मैंगो, बनाना, पपाया, ओके। नेक्स्ट, फ्रूट इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट। फ्रूट क्या होता है, पार्ट का एक दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट कंटेन्स सीड्स, ओके। फ्रूट इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रूट प्लांट का। कंटेन्स सीड्स, ओके। और ये क्या करते हैं, सीड कंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज सीड्स, आर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट, दैट इज सीड। ये जो भी पार्ट्स अपन देख रहे हैं लाइक स्टीम, लीव्स, फ्लावर, सीड्स, ये सभी पार्ट जो है किसके होते हैं, फ्रूट सिस्टम के पार्ट होते हैं, ओके। देन ए सीड कंटेन्स ए बेबी प्लांट। जो सीड है उसमें क्या होता है, बेबी प्लांट होता है। इट जर्मिनेट्स टू ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, और ये क्या करता है, न्यू प्लांट में ग्रो हो जाता है। एज यू कैन सी हियर, दिस इज सीड। तो देखो सीड पार्ट जो है उसको भी अपन एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। दिस इज इन्फो बॉक्स। सीरियल्स, पल्सेस एंड स्पाइसेस आर सीड्स ऑफ द प्लांट। जो सीरियल्स, पल्सेस एंड स्पाइसेस हैं वो क्या है, सीड्स ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के सीड ही है, इनका सीड पार्ट ही होता है जो अपन कंज्यूम करते हैं एज ए फूड। सीरियल्स में भी अपन वीट जो लेते हैं वो क्या हो गया, सीड पार्ट हो गया। इसी टाइप से पल्सेस में, स्पाइसेस एंड सीड्स में, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कंजर्विंग ट्री। अब देखो अपन ने जैसे ये देखा है काफी
सारे पार्ट्स अपन ने देखे, यूज के देखे, काफी सारे फंक्शन अपन ने देखे। इट मींस दैट अपन ये समझ सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं अपने लिए बहुत ही बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो जितनी अपनी लाइफ इंपॉर्टेंट है उतनी ही ये प्लांट्स की लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। सो दैट वी शुड प्रोटेक्ट देम, वी शुड कंजर्व देम। तो हमें हमेशा प्लांट को जितना ज्यादा हो सके प्लांट अपने को ग्रो करना चाहिए। ओके, और प्लांट को कंजर्व करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड अबाउट कंजर्विंग ट्रीज वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।